देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रेलवे को मिल रही इस सौगात से जहां रेलवे और आगरा रेल मंडल का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, तो वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात आगरा रेल मंडल को मिल रही है। इसकी जानकारी DRM आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री रेलवे के आधारभूत ढांचा को मजबूत बनाने की कवायदे कर रहे हैं। आधारभूत ढांचा मजबूत होगा तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आगरा रेल मंडल को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। रेल का काफी तेजी से और महत्वपूर्ण दिशा में विकास हो रहा है। इसी क्रम में विगत 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने करीब 1500 ROB RUV का शिलान्यास किया था या उनका लोकार्पण किया था देश को, और 500 अमृत स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 12 तारीख को पुनः प्रधानमंत्री जी द्वारा रेल के काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास या लोकार्पण किया जा रहा है, तथा कुछ ट्रेनों को जिसमें कि वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है, उनका शुभारंभ भी किया जाएगा, तथा कुछ वंदे भारत ट्रेनों के रूट का एक्सटेंशन भी किया जाएगा। PM नरेंद्र मोदी की ओर से रेलवे को जो सौगात मिलने जा रही है, उस सौगात से पर्यटन व्यवसाय भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आगरा कैंट स्टेशन पर एक और वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होने से पर्यटन को पूरी तरह से बढ़ावा मिल जाएगा, साथ ही यहां से लोगों का आवागमन भी और ज्यादा सुगम बन जाएगा। आगरा मंडल में इसमें वंदे भारत ट्रेन एक निजामुद्दीन से चल करके खुजराव तक जाएगी, जिसका की स्टॉपेज आगरा मंडल में रहेगा। ये सुबह प्रातः 6 बजे ये ट्रेन निजामुद्दीन से प्रारंभ होगी और करीब 2:30 बजे के आसपास ये खजुराहो स्टेशन पहुंचेगी। तो जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें एक नई ट्रेन की सौगात आगरा मंडल को भी मिली है।